हाय फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गई हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास भी है अगर स्मार्टफोन वीवो Y200, उसमें आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं, या फिर आपको फिंगरप्रिंट ऐप लॉक में लगाना हो, या फिर आपको डिस्प्ले पे लगाना, या फिर स्क्रीन में लगाना, तो कैसे आपको लगाना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल लेके सपोर्ट। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पे देखो पेज को फॉलो कर लीजिए, दोनों को एक एजी सपोर्ट पे। चलिए ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले पर, वहां पे आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है या फिर कैसे आपको स्क्रीन लॉक में फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। चलिए ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले पर। तो यहाँ पे देखिए फोन डिस्प्ले पे आ गई और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है वीवो Y200 में। सबसे पहले आपको सेटिंग्स ओपन करनी हुई, सेटिंग्स ओपन करने के बाद बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो नीचे स्क्रॉल करके आ जानी हुई। नीचे स्क्रॉल के आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखा है सिक्योरिटी करके, यहाँ पे देख पा रहे हो तो सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन दिखा है, तो सिक्योरिटी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल के आ जानी होगी। नीचे स्क्रॉल के आने के बाद आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक यहाँ पे दे रही है, और साथ ही में यहाँ पे ऐप इंस्क्रिप्शन यानी कि ऐप लॉक भी आपको दे रही है। तो यहाँ पे क्या करना, आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगानी, तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन लॉक लगाना अनिवार्य है। फिंगरप्रिंट लगाना तो स्क्रीन लॉक लगाना, तो सबसे पहले स्क्रीन लॉक पर क्लिक कीजिएगा। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार ऑप्शन पाँच ऑप्शन आपको दिखेंगे, जो कि नन हो गया, जो कि आपको कोई भी लॉक नहीं रहेगा, स्वाइप करने वाला रहेगा जो कि इस तरह का आपको लगेगा, उसके बाद पैटर्न हो गया, पिन हो गया, कम्प्लेक्स पासवर्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पैटर्न अच्छा लगता है मुझे, तो मैं पैटर्न यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए जैसे देख सकते हैं, पैटर्न डालने को यहाँ पे कंफर्म करनी है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का तीन ऑप्शन दिखेगा, शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट, उसके बाद शो सेंसिटिव कंटेंट ओनली वी अनलॉकेड, उसके बाद डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट में कीजिएगा, फर्स्ट पे क्लिक, तो जितना भी आपको मैसेज आता है एप्लीकेशन या फिर कोई मैसेज आता है वो सारा आपको सारा लॉक रहेगा, फिर भी आपको दिखेगा। सेकंड वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो सेंसिटिविटी का बैंक मैसेज होता है वो आपको नहीं दिखेगा, बाकी सभी जो कि नोटिफिकेशन दिखेगा, और थर्ड में आपको एक भी नोटिफिकेशन आपको नहीं देगा। तो यहाँ से जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड में फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंट पे आपको क्लिक करनी होगी। फिंगरप्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो पैटर्न लगाए वो देना होगा पैटर्न। चलिए मैं पैटर्न दे देता हूँ, तभी यहाँ पे फिंगरप्रिंट आप लगा पाइएगा। तो यहाँ पे दे दिया, उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे स्टार्ट इनरोलमेंट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको फिंगर देने के लिए, यहाँ पे जैसे मैं फिंगर दे रहा हूँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा ले, उसके बाद आपको डन कर देने की। डन करने के बाद अगर इसका एनिमेशन स्टाइल सेट करना चाहते हो वो भी आप सेट कर सकते हैं, और साथ ही में ऐप में लॉक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो इनेबल करने के बाद पैटर्न या फिर पासवर्ड खोलेगा, जो भी आप ऐप लॉक में पासवर्ड लगाएं वो आपको पासवर्ड दे देनी होगी। देने के बाद यहाँ पे देखिए ऐप लॉक में भी फिंगरप्रिंट वर्क करेगा। उसके बाद एनिमेशन स्टाइल सेट कीजिएगा, तो यहाँ से एनिमेशन स्टाइल फिंगरप्रिंट का आप सेट कर सकते हैं, इस तरह का सेट कर सकते हैं एनिमेशन, या फिर इस तरह का भी सेट कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे, इस तरह का आपको जो बेटर लगे वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आइकन पैटर्न भी इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, जब आप लॉक स्क्रीन ओपन करें तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो इस तरह से फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो वीडियोज आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके प्यार से कमेंट कर दीजिएगा।